अनदर ब्लॉग। वेलकम टू वेरी ब्यूटीफुल डे। और मैंने बोला चलो जी ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ नहीं पता है क्या बनेगा ब्लॉग में, लेकिन मैंने बोला चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अभी जो मैं आ रही हूँ, मैं बच्चों को छोड़कर आ रही हूँ ट्यूशन, सिर्फ एक घंटे के लिए गए बच्चे, तो गार्ड को बोलते वो लेकर आ जाएगा। खैर अभी का सीन ये है कि हम अभी घर जाते हैं। घर जाने के बाद खाने की तैयारी करते हैं, खाना क्या पकाए। तो रोज़ाना की ये टेंशन होती है, खाना क्या पकेगा, खाना क्या पकेगा, खाना क्या बनाना है। तो ये मेरे साथ ही सबके साथ ये टेंशन होती है, जिससे सुन लो उसके साथ ये टेंशन होती है जो हाउस वाइफ है। ठीक है, मेरा हाल हेलो कर दो। कैसे हैं आप लोग, पूछो। चलें मैं घर जाती हूँ, खाने की तैयारी करती हूँ। उस तक के आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुँच जाए। और निराल मैडम मेरा दुपट्टा खींच रही हैं। चलें जल्दी से जाती हूँ मैं घर पर, और जो भी बना रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती थी क्या बन रहा है आज खाने में, और आज का क्या सीन पार्ट है, जो भी होगा आपके साथ शेयर होगा। और चलें जी, मैं भी बनाने जा रही हूँ स्टू। तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। चूल्हे पे मैंने प्याज रख दिए, मतलब कुकर में मैंने प्याज डाल दिए। और मिराल मैडम देखनी थी मोबाइल, अभी मैंने इनसे लिया। मैंने बोला थोड़ा सा ब्लॉग बनाने दो बेटा, थोड़ा सा। आज नेट भी बहुत ही ख़राब चल रहा है घर का, तो मैं बना रही हूँ स्टू। और ये स्टू से ना मेरे बच्चों को इतनी कोई नफरत हो गई है ना, इतनी कोई नफरत हो गई है, मामा आप जब देखो स्टू बनाती हैं, मामा आप जब देखो स्टू बनाती हैं। तो आज अभी दोबारा आएंगे ना, मैं आप लोगों को उनके रिएक्शन दिखाऊँगी कि वो क्या बोलते हैं। तो वैसे जब जा रहे थे तो ना, तो मैंने बच्चे पूछ रहे थे मम्मा आज क्या पकाएंगी, तो मैंने बोला स्टू बनाऊंगी। मम्मा क्या यार, कोई नहीं, आलू गोश्त बना लें आप, आलू गोश्त बना लें। तो मैंने बोला अच्छा देखती हूँ। तो उस वक्त तो मैंने ये बात टाल दी थी, अभी आते हैं तो बताऊँगी। तो मैं जो भी रिएक्शन होगा आप लोगों को दिखाऊँगी। इतनी जल्दी थोड़ी सब वो करते हैं, व्लॉग एंड करते हैं, मेरी जान की टुकड़ी बस खाली। ओए फिर मोबाइल गिराती है लड़की ये हर वक्त। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय बाय। कल बस इसको यही करना आता। चलें बच्चे भी आने वाले हैं, क्योंकि आज जल्दी आना था, उनको टीचर ने बोला था 1 आवर के लिए आज पढ़ाऊँगी मैं, उन्हें कहीं जाना था। तो पता नहीं नौफिल आता है कि नहीं आता, क्योंकि 2 दिन से तो आ रहा था, कल तो आया था लेकिन थोड़ी देर के लिए आया था। आज का कुछ नहीं पता, क्योंकि उसकी उंगली फिर से पक रही है, तो वो थोड़ा सा मसला है उसके साथ। आज का कुछ नहीं पता मुझे, तो जैसे ही बच्चे आते हैं फिर मिलवाते हैं। चोटी बांध दो, मेरे बालों की चोटी बांध दो, ये हरकतें हैं फजूल। चले मैं खाना वाना चढ़ाती हूँ, फिर मिलती हूँ। अच्छा जी, अभी मैं आई हूँ ड्राइंग रूम में, बच्चे पढ़ रहे थे सिपारा। तो मैंने बोला काफ़ी टाइम हो गया, मैंने नहीं देखा इन लोगों को सिपारा कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। मिशी की तो आज मेरे हाथ हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि जब मैंने सुना तो मिशी थोड़ा सा, तो फिर मिशी का हाल बुरा हो गया और क्लास हो गई इसकी सही वाली। और ये देखो, ये तो यार मेरा व्लॉग बनाना नहीं, ये लड़की मोहाल कर देती है। ये लड़की ये भी पढ़ रही है सिपारा, अलिफ बा ता सा, क्या पढ़ रही हो? बा ता ते ता 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 ता, कुछ भी पढ़ रही है। खैर अभी कारी साहब आएंगे थोड़ी देर में, तो मैंने इनको 3 दिन पहले ही बोल दिया था कि पहले से ही बैठ जाया करो तुम लोग और मैं सुनूंगी, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मम्मी मम्मी मुझे नाम नाम अभी मैं बताती हूँ। तो बस अभी मैं लेकर बैठी हूँ और सब अपना अपना पढ़ लेते हैं। मम्मी 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 मैं मिराल तो अभी इतनी एज है नहीं, वैसे 4 साल हमारे में जो 4 साल 4 दिन होता है। तो बस अब मैं सोचा इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू कर दूँ, तो मेरी सीन चल रहा है अभी, देखते हैं क्या होता है। कितनी मिराल आज मिशी कितनी पिटाई खाती है, सब काम करने के बाद पढ़ा पढ़ाकर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मिशी आज मुझसे कितना मार खाई है। तो स्टे ट्यून्ड, पढ़ो आ रही है अलीफ, पढ़ो अलीफ आ रही है, आप पढ़ो ना। सीधे हाथ की उंगली रखिए, सीधे हाथ की उंगली रखें, ये वाले हाथ की अलीफ
बा बा ता ता अलीफ अलीफ बा बा ता ता अलीफ मम्मी अब यहाँ पढ़ लो बस इसके साथ यही काम है अलिफ बा पढ़ना नहीं आ रहा ये अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ बा ये सब पढ़ेगी ये लड़की देखना जरा शक्ल दिखाना अपनी अलिफ बा ता बा वो पीछे लिखा हुआ है वो इधर लिखा हुआ है मम्मी मम्मी ये तो दे दो मेरे तो बस की कहानी नहीं है ये लड़की अलिफ लिखा हुआ है इधर अलिफ हाँ ये तो अलिफ लिखा हुआ है पीछे बा किधर है यहाँ अच्छा ऐसे पढ़ोगी पढ़ रहे लो प्यास लग गई इनको औरत बहाना ले ले औरत चलो पढ़ो ये अलीफ बाता मैं दूसरे से बाहर खोल के दे दूंगी अभी पढ़ लो जल्दी पढ़ो अलीफ बाता अले बा ता 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 ओहो ता ता नहीं अलीफ और बा आ रही है चलें भाई इस औरत को पढ़ाना तो बड़ा मुश्किल काम है फिर भी कोशिश करती हूँ मैं पढ़ाने की और फिर मिलती हूँ मिलते हैं थोड़ी देर में बोल दो मिलते हैं थोड़ी देर में चापी के बाबा बोलो ता भाई हम नापी उन लोगों ने पढ़ लिया मैंने नहीं पढ़ा आपने नहीं पढ़ा और मिश्री आपने नहीं पढ़ा मिश्री आप आ गई अब आप पानी आ रहा है लेकर आ रही है दोबारा चलो जल्दी से बताओ ये क्या है अरे हम याद कर लिए यार ये लड़की ना मुझे बिल्कुल पागल कर देगी बड़ा मुश्किल काम है इस लड़की को पढ़ाना चलें भाई मिश्री को पढ़ाते हैं मिश्री की पिटाई करते हैं और फिर मिलते हैं कि कितनी मार खाई है मिश्री ने मैंने कहा था ना यही रिएक्शन आने थे कैसा स्टू स्टू नहीं खुशबू तो स्टू बना रहे हो स्टू है यार मैं झूठ क्यों बोलूंगी मना किया था इन लोगों ने लेकिन फिर भी मैंने बना आवाज आ रही है आप लोगों को चले ये सब काम करते हैं हैंडल करना बड़ा मुश्किल है अपनी तरफ से पढ़े जा रही है बा ता डा दा सा ज्वाइन को बा पढ़ रही है आइन को ता पढ़ रही है चले इंशाल्लाह मनाने तो पढ़ लिया और ये दोनों रह गई अभी इन दो को पढ़ाते हैं फिर बाद में आप लोगों से क्या पढ़ा बेटा आपने शाबाश अब कल भी पढ़ना है ठीक है यूं कर दो इस टू बना रही हूँ इस टू क्या मम्मा क्यों इस टू नहीं अच्छा लगता थप्पड़ मारूंगी तू नहीं लगता तो नहीं लगता लगता तो अच्छा बस ये है बस ये है कि खा ज्यादा लिया तुम लोगों ने इस बार इसलिए मजे का नहीं लग रहा देखा मैंने आप लोगों को कहा था ना कि ये लोग स्टू का नाम सुनते इन लोग ऐसी कोई आग लगती है ऐसी कोई आग लगती है छोटू मोबाइल का है मेरा छोटू मोबाइल ढूंढ कर दो पढ़ लिया इसकी मेरी ऐसी बस हो गई थी मैंने बोला मना लिया इसको तो तुम हैंडल करो वरना ये तो आज जाया हो जाएगी मुझसे जी नहीं एक चमाट और एक और लगा है सब याद आई याद आई याद दिला दूँ नहीं, मुझे बहुत पड़े हाँ मैनू से एक पड़ा चलें जी पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न बनाते हैं हम अपने एज यूजुअल 6:30 हो गया 7 बजे हमारे पॉपकॉर्न बनाने का टाइम होता है तो 7:30 ऐसे कोई टाइम हो जाता है हमारा पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न बनाते हैं खाते हैं और आप लोगों को रिव्यूज मैंने दे दिए बच्चों के एक्शन मतलब रिएक्शन दे दिया आप लोगों को कि क्या तो कह रही है हाँ बच्चों के रिएक्शन पता चल गया आप लोगों को स्टू बनने के क्यों बना रही है कोरमे का पाउडर रखा हुआ है बना अरे कोरमे का पाउडर रखा हुआ है बना आप स्टू बनी कोरमा शोरमा नहीं बना रही वो तो मैंने ऐसे खुशबू के लिए थोड़ा सा डाल दिया था इतना सा पड़ा हुआ था उसमें मैंने बोला ये पड़ा हुआ इतना सा डाल दो उसको खुशबू के लिए
तो बस मम्मा आधा बल के पता है खुला हुआ होता ना आधा पैकेट, तो वो गिर भी गया था तो वो थोड़ा सा रह गया। दरअसल वो डालने की वजह ये थी मेरे पास हल्दी भी नहीं थी, नहीं खोलना नहीं, तो मेरे पास हल्दी नहीं थी। अब मैंने बोला क्या करूँ, मैंने बोला चलो थोड़ा सा पाउडर वगैरह डाल देती हूँ कोरमे का या किसी और चीज़ का, लेकिन कोरमा मिल गया मुझे बुरी बात होती है गंदी बात होती है। तो ये सारे सीन पार्ट हैं। चलें जी पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न बनाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। चलें जी पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न बन गए हैं, आ जाओ खाना है तो। चलें जी पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न बन गए हैं और अब हम खाएंगे पॉपकॉर्न और बच्चों को चॉकलेट्स दीजिए। मैंने फिलहाल मैडम भी चॉकलेट खा रही है, दिखा दो अपनी चॉकलेट। चॉकलेट हो या बिस्किट हो ना, ये बहुत ही गंदे तरीके से खाती है, बहुत गंदे तरीके से। दिखाना जरा अपना हाथ ऊंची पे गया। चलो आज बच्चों को दे दी है चॉकलेट भी मैंने, वैसे तो रोज ही ले रहे होते हैं। नॉवल पे आकर कल बोलेगा, कल अगर आया तो बोलेगा मैं कल नहीं आया था ना, मेरी जमा हो गई है। तो मैंने बोला बेटा जब तक के है ना थोड़ी बहुत भी खा लो, खत्म होने वाली है। आज हमारे यहाँ नेट नहीं आ रहा, सामने भाभी वाला जो नेट है ना वो कनेक्ट है मेरे मोबाइल में ना, पहले करवाया था भाभी से तो वो कनेक्ट ही है। हालांकि सिग्नल नहीं आते यहाँ पर, लेकिन बिल्कुल गेट पर बैठो ना तो सिग्नल आ रहे होते हैं। तो मिराल मैडम वही कर रही है, सौरभ जोशी लगा लेती है अपना सौरभ जोशी और वही देखती रहती है। मिराल को सदमा लग गया भाई, आप लोग दुआ करें हमारा नेट चल। मुझे भी बहुत सदमा करे, मैं मोबाइल ही नहीं चार्ज होके दे रहा। पढ़ाई में दिल लगा लो पहले, तुम अपना सदमा ना पढ़ाई में निकाल लो। मुझे कोई सदमा नहीं, सब चल रहा है इसका, तो सब चल रहा है। ये तो अलग ही हिसाब है इसका, ऊपर की फ्लाइट है। चलो पॉपकॉर्न वगैरह खाते हम लोग, मिलता है थोड़ी देर। गाइस इसका हाथ देख लो गाइस, गंदी गंदी, ये ऐसी गंदगी करती, बहुत गंदी हरकतें करती है। मारूंगा पकड़ कर गाइस, बोलती गाइस ये देख लो गाइस। देख सकते हैं आप लोग विशाल को, नेट ना होने के नुकसान, बेचारा गेट पे जाकर दूसरों का नेट यूज कर रहा है। विशाल पूछा आपने उनसे हम आपका नेट यूज कर लें, मेरे मोबाइल का तो उनको पता है। हरकतें चेक करें आप, नेट ना होने की वजह से, वरना इंशाल्लाह आपको इस कमरे में नजर आएगा या उस कमरे में नजर आएगा, आज आपको इंशाल्लाह यहाँ नजर आ रहा है। सारे पॉपकॉर्न खा पी कर खत्म करके चले गए बच्चे, एक एक मुट्ठी भर भर के लेकर गए, प्लेरिया लेकर गए हैं बच्चे ये पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न, एक एक मुट्ठी भर भर के। वो पिन्नू भी लेकर गई है, बार बार उठा उठा के लेकर जा रही थी, थोड़े से खाए फिर दोबारा है मामा लिफ्ट आ रही है अभी मैं और ले लूँ, मैं ले लो भाई। तो ये सब सीन है, वो लोग नीचे तीनों गई हैं प्लेरिया और ये लड़का बेचारा कभी इधर उधर हो रहा है, अभी पासवर्ड मुझसे पूछ कर वो वहाँ बैठा है। अभी मैं भाभी को बताती हूँ, मिनहाल को बताती हूँ, मैं सबर कर। तो खैर वैसे वो लोग तो मना नहीं करते, बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी चोरी है, ऐसी चोरी है जो अजीब व करीब चोरी है। खैर मैं अपने नेट की ज़रा कंप्लेन वगैरह करवाती हूँ, पता नहीं क्या हुआ है, फिर मिलते हैं बताती हूँ आगे का सीन क्या है, आगे की अपडेट क्या है। तो यही सारे सीन है अभी तक के, तो यही सारे सीन है। तो जनाब अभी रोटियाँ बनाकर मैं फ्री हुई हूँ, गार्ड को खाना दे दिया है, मिराल मैडम पगला गई हैं बिल्कुल। नेट नहीं आ रहा था हमारे घर में, लेकिन जैसे ही नेट आया हमारे घर में सब लग गए हैं अपने मोबाइल में, इंशाल्लाह चला गया उस वाले रूम में, वो रूम होता है या ये वाला रूम होता है। तो ये सीन है अभी बस। अच्छा अब इसको भी कार्टून देखना है और मेरा मोबाइल ही चाहिए उसको,
तो बस 9:30 हो रहे हैं, बस 10-15 मिनट में खाने लगाते हैं और फिर खाना खाते हैं। स्टू बनाया, थोड़ा सा बनाया मैंने, लेकिन उस पर इतना नकर नुकुर हुआ है ना इन लोगों का, अल्लाह माफ़ करे कि हम आपने ये क्यों बना लिया, आपको कौरमा बनाना चाहिए था, आपको आलू गोभी बनाना चाहिए था। अरे भाई इतना सा बनाया, बस थोड़ा सा आज सही होगा क्योंकि कल जो मैंने खाना बनाया था आलू गोभी मिक्स सब्जी टाइप, मटर भी था उसमें, गाजर भी था और गोभी भी थी। यार लाइट खोलो यार, तो वो बनाया था तो वो भी अच्छा खासा बचा, तकरीबन 1.5 प्लेट के करीब वो भी बचा हुआ है। तो मैंने बोला यार थोड़ा सा स्टू बना लेती हूँ ताकि आज और कल आराम से हो जाए। कल का कुछ सीन है हमारा, मेरा रूबा का और अब्बा का बच्चों को ले जाने का, तो अगर हुआ रात में वो कंफर्म हो जाएगा, अगर हुआ तो कल वो भी ब्लॉग आएगा, तो उसके बिल्कुल भी नहीं करना है और बेल आइकन को उसके लिए प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। खैर तो मैं क्या बता रही थी, हाँ मैं ये बता रही थी मैंने थोड़ा सा बनाया है, ज़्यादा भी नहीं बनाया कि बस ये है कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वरना अगर मैं नहीं भी बनाती आज खाना तो भी मेरा चल जाता, लेकिन एक गार्ड के लिए ना थोड़ा सा फिर अच्छा ही लगता मुझे ना कि आज हम घर में तो खा लेते हैं, कल जो बनाए आज भी खा लेंगे, लेकिन इसको देने के लिए ना थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि अगर वो भी दे रही हूँ तो थोड़ा सा कुछ और नया सालन भी हो, तो ये वाला सीन है। रोटियाँ छोटियाँ आजकल मैं घर में ही बना रही हूँ भाई, और अब तो आदत हो गई है बनाने की, पराठे शराठे भी, वैसे तो पराठे तो बनाती थी सुबह, मतलब सुबह दोपहर जो भी होता था, रोटियाँ नहीं बनाती थी क्योंकि हिम्मत नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा टफ टाइम हो जाता था मेरा और मैं पसीने में शराबोर हो जाती थी, मतलब बीपी बिल्कुल मेरा डाउन हो जाता था, तो नोचना नहीं है बिल्कुल भी, हटो नहीं नहीं रुक जाए एक मिनट। तो बस रोटियाँ छोटियाँ भी बन गई हैं और अब बस खाएंगे, मिराल अब खाना खाएगी ना, मिराल के पेट में क्या कूद रहा है, बंदर और डॉल्फिन। कैसे कूद रहा है, ऐसे ऐसे कूद रहा है, इधर आकर बताओ ना। बोले मेरे को भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे, मंकी दौड़ रहा है, छेल दौड़ रहा है, ऐसे जंप कर रहे हैं इसके पेट में सब। क्या कौन कौन जंप कर रहा है बताओ बताओ, हाथी और छेल। कैसे कैसे करते हैं ऐसे ही तफरी कर रही है। अभी कारी साहब से भी ना ये पढ़ रही थी ना, तो कारी साहब ने बोला कि ये मिराल मैं मारूंगी पकड़ के, कारी साहब को बोल रही है कि कारी साहब ने उसको पढ़ा रहे थे अली बे पे ते टे ना जो भी पढ़ा रहे थे, तो इसने कुछ गलत बोला होगा, तो बोलने कारी साहब ने बोला से नहीं ये से को चे बोल रही थी, क्या बोल रही थी, चे नहीं से, तो बोलिए चे नहीं से, मतलब उल्टा नहीं कोई सवाल कर रही है, उनको सिखा रही है। तो बच्चे इतना हंसे आकर मुझे बताए, तो मैंने बोला चलो आप लोगों ही बताती हैं इसकी तफरियों। क्या हुआ, तार गिर गया था वापस छोड़ के, नेट जाता है ऐसा लगता है जिंदगी से ना इन लोगों का, खास चीज गायब हो गई। हाँ मेरा भी नेट सही हो गया, इंशाल्लाह नहीं करते ऐसे। तो चले बस बच्चों को खाना वाना खिलाते हैं और उसके बाद रात का जो सीन होता है मैं रूबा से पहले कन्फर्म करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ कन्फर्म करती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ क्या सीन होता है रात का। फिलहाल के लिए स्टेडियम जी, खाना चाहिए खाना चाहिए। ओके चलो जल्दी दस्तरखान लगाओ जल्दी से, ये देखो बदतमीजी तुम दस्तरखान हो। अब सही है तुम्हारे, चलो आओ बैठो सब, इसको मिराल को खा लो। हाँ आजकल बड़ा डायलॉग बोलने लग गई है ये लड़की, अभी मुझे गुस्से में बोल रही है मामा खाना चाहिए खाना चाहिए। बच्चों ने खाना लगा देते हैं ताकि बच्चे के पेट में जो चूहे दौड़ रहे हैं ना उनको कुछ मिल जाए, गुस्सा मिल जाए। और फिर रात में बोलते मुझे मैगी बना दो, अच्छा मेरे लिए मंगा देना, अच्छा मेरे लिए बना देना मैगी, शेर चूहे और एलिफेंट, एलिफेंट तीन चीजें इसके पेट में उछल रही है कि बस खाना खिला दो खाना खिला दो खाना खिला दो। चलो जल्दी से रास्ता खाना चाह रहे हो ना, ये तो हमें सबको पागल कर देगी, बिल्कुल पागल कर देगी। चले जी नेट शेट आ गया था तो बच्चे अपने अपने कमरों में चले गए, खाना वाना हमने खा लिया था और अभी मनाल मौत के फरिश्ते की तरह ना मेरे ऊपर यूं मंडला रही है बार बार, सिर्फ एक चीज़ के लिए कि कॉफ़ी बनाते हैं मामा, सिर्फ कॉफ़ी बनाते हैं मामा, कॉफ़ी बनाते हैं। और मैं इसको पिछले 1.5 घंटे से टाले जा रही हूँ कि नहीं नहीं नहीं, लेकिन मैं कह इसको अभी मैंने कहा
मौत का फरिश्ता भी इतने पाबंदी से नहीं आता होगा जितनी पाबंदी से ये लड़की आती है। इसको सिर्फ एक बात लग जाए ना कि ये करना है, केक बनाना है या कुछ और काम करना है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी एक्स वाई जेड, तो ये बिल्कुल वैसे ही आती है जैसे मौत का फरिश्ता आता है। लेकिन मैं तो कहती हूँ मौत का फरिश्ता भी इतने पाबंदी से नहीं आता जितने पाबंदी से ये औरत आती है मेरे पास। आ रही हूँ मैं, तो ये बना रही हैं कोल्ड कॉफ़ी और हटा दो। मिराल मैडम अभी मेरा मोबाइल नहीं हुई थी तो मैंने इससे भी मोबाइल लिया, मैंने बोला थोड़ा सा व्लॉग बनाने दो मेरी जान, इसको भी आई है नींद, अब इसको चेंज वेंज भी करूँगी फिर इसको सुलाएंगे। हाँ मिराल मैं गिर जाऊँगी, खड़ी हो ऐसे कैसे बैठी हो। तो यही सारे सीन है, खाना वाना सबने आराम से अच्छे से खा लिया था, इवन स्टू नहीं बनाएगा, स्टू नहीं बनाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह सब वही कुकर को चाट रहे यूं यूं करके। तो मैंने बोला अब क्या हुआ, अब क्यों चाट रहे हो इसको, तो खैर जवाब नहीं होता इन सब बातों का। चलें मैं दिखाती हूँ मनाल मैडम कैसे कॉफ़ी बना रही हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और मनाल इस जैसी किसी की बेटी हो ना तो कसम खाकर मैं बोलती हूँ कि वो तो सिर्फ सर पकड़ कर बैठा रहेगा कि या अल्लाह मैं क्या करूँ। ना चाहते हुए ना मुझे इजाज़त देनी पड़ जाती बहुत सारी चीज़ों की कि नहीं नहीं नहीं, और लोगों को लगता होगा कि नहीं ये तो बड़ी सख्त माँ है, वैसे हूँ मैं सख्त माँ, लेकिन बहुत सारी जगहों पर मुझे यूँ हो जाना पड़ता है कि छोड़ो रहने दो, कर लो जाओ कर लो, चीखती रहूँगी चिल्लाती रहूँगी गालियाँ देती रहूँगी कुछ भी करती रहूँगी, लेकिन ये जो मुल्ला की दौड़ मस्जिद होता है ना ये फिर घूम फिर कर आएगी मेरे पास, मामा मामा प्लीज मामा प्लीज मामा प्लीज मामा। लेकिन अपनी मेहनत कैसे करना है जी जान, ये दे दो। हाँ वो कर रही है ना खुद अपनी मर्जी से, तो ये वाला सीन है इसके साथ, शायद समझ जाता है। मिशी तो खैर अभी नहीं इतना पर उसके निकले हैं, इसके तो बहुत ज़्यादा पर निकल गए, बहुत ही कोई ज़्यादा पर निकल गए। कल छोटा सा मिनी केक बनाया इन्होंने ज़बरदस्ती सूली पर चढ़ाकर, मुझे बार 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 चक्कर लगाना है डिगर, तो इंसान क्या करे, गुस्से में बोला जाओ बना लो मर्जी है तुम्हारी कर लो, फिर भी वगैरह तो कर लेती है। अगर मैं गुस्से में बोलती हूँ ना कर लो मेरी मर्जी नहीं पूछो, अपना सुन रही हो ना कर रही हो ना कर लो, जाओ जाओ जो करना करो, ऐसे ही बोलोगे ना तो कर लेगी खड़े खड़े, मतलब इतनी कोई डीड बच्ची है ये लड़की। खैर होना चाहिए ऐसा, थोड़ा बहुत होना चाहिए। चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, मैंने इसकी सारी असलियत बता दी है, कमेंट में बताइएगा किस किस कौन कौन जो जो मनाल को जानते हैं कौन कौन एग्री करता है इन सब बातों से, है ना मनाल, सबसे पूछ लूँ जो जो तुम्हें जानते हैं, तो कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है जो जो मनाल को जानता है कि मनाल ऐसी है, तो जो जो एग्री करता है मेरी इन सब बातों से तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मनाल ऐसी है कि नहीं है, या मैं ऐ वही कोई बात बोल रही हूँ। अभी नहीं बोलूँ फिर क्या करूँ, अब बोलो। चलें अब मैं दिखाती हूँ मनाल मैडम कैसी कॉफ़ी बना रही हूँ, लेट्स गो जी स्टार्ट करो। चल पहले कॉफ़ी, ये थोड़ा बड़ा चम्मच तो वैसे दो स्पून ज़्यादा होते हैं, स्पून देखो गिराना नहीं बस, कॉफ़ी गिराना नहीं बस, मनाल गिरेगी मनाल गिरेगी मनाल, मैं कह रही हूँ गिरेगी। छोटा चम्मच लेकर आओ, एक सेकंड भाई नहीं ये काम मैं ही कर देती हूँ, थोड़ी थोड़ी डाल दो क्योंकि मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ, ये मेरी कॉफी जाया अगर ये लड़की और, बस और चल जी अब हम लोग डालेंगे एक चम्मच। नमक तो नहीं डाल दिया कहीं, थोड़ा सा और डाल दो बस बस ज्यादा डाल दिया, अब इसको जरा शेक में करूंगी। नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा मुझे अच्छा लगता है ना, मुझे दिल चाह रहा है मेरा, ठीक है।
पूरा मैं करूं क्या यहां पे? मैंने बहुत दफ़ा सोचा था ये वाली बनाने का, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी बनाने की। लेकिन जिसके पास मनाल जैसी बेटी हो ना, उसको हिम्मत की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बस इसको हमने शेक 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 करते रहना है, और फिर बहुत अच्छे से जब ये शेक हो जाएगा, झक झक हो जाएगा अंदर, उसके बाद हमने इसको निकाल कर मिल्क डालना है और जो वो क्या कहते हैं चॉकलेट सीरम। जी एक सेकंड पहले मैं बात कर लूँ। हाँ अभी नहीं बना, अभी नहीं बना। फिर चॉकलेट सीरम वगैरह डालकर आपने अपने हिसाब से मैस आइस चॉकलेट सीरम। चलें जी अब मनाल करेंगी ये काम। मुंह तो अच्छा बना लो बकलो। फिर चले जी मनाल जब तक ये शेक कर रही है, आगे जो भी प्रोसेस प्रोसेस होता है इसका मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो डालो सीरम डालेगी भैया मनाल मैडम। डालना आएगा? हाँ निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, फुल हुआ हुआ ये ऐसे। मुझे भी चाहिए। मैं कर दूँ? मुझे चाहिए। नहीं डालना होता। चाहिए हम डालना। अरे मिराल वेट करो। चले जी अब क्या डालेगा? कॉफी। तो भी नहीं डालना भाई। आराम से आराम से आराम से, हौले हौले। बस 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 अभी मिल्क के हिसाब से ना बाद में ये दूसरा गिलास में कर देंगे। चलो मिल्क डाल लूँगी। डाल लूँगी। मलाई पूरी जमी हुई है उसमें, मेरे को मुझे करना था जरा, रुक जाओ एक मिनट। जी मिल्क मैंने डाल दिया, अब इसको हम साइड में हटा देते हैं भाई। अब मनाल डालेगी आइस। पानी आ रहा है मेरा, क्या रहता है मुँह में? मिराल के मुंह में पानी आ रहा है गाइस। मुझे भी पीना है। मुझे भी पीना है। दिखा दूं पहले? मैंने पहले मैं गाइस को दिखा दूं। चले जी फाइनली कोल्ड कॉफी हमारी रेडी हो गई है और मनाल ने बनाई है कोल्ड कॉफी। अब देखते हैं टेस्ट करते हैं। मुझे मीठा थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन चलो अच्छी बात है, वो तो मीठा कम है। पहले मैं चेक करती हूँ एक मिनट। नहीं रुक जाओ, अभी रुक जाओ। मुझे पीने दे। पहले मामा चेक करेंगे। आगे चला। अच्छे। बस मीठा कम है, बाकी सब सही है। मुझे पीने, मुझे पीने। मीठा नहीं है तो अभी मीठे के हम चेक। मीठा नहीं है अभी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मीठा नहीं है ना अभी, रुको। डंडा डंडा मैं कह रही हूँ, मीठा इसके लिए इतना वो नहीं है अभी। तो अभी इसमें मैं थोड़ी सी चीनी, पिसी हुई चीनी डाल देती हूँ ताकि सब पी सकें। वैसे तो वेल एंड गुड है, ठीक है। जी ये था आज का हमारा व्लॉग, जिसमें मनाल ने बनाई कॉफ़ी, मैंने पढ़ाया बच्चों को, सिपारा थोड़ा बहुत, और बस जो हो सका व्लॉग में लिया और आप लोगों के साथ शेयर करा हमने अपना सब कुछ। अच्छा तो बताओ, तो ये था आज का सीन, आज का व्लॉग, और कल का जो है सीन वो कंफर्म है, और बस मेरी बात हो गई, वो कंफर्म है। लेकिन ये कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना ये कंफर्म नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, तो वो कल आएगी तो ही कंफर्म होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसके लिए आपने कल का व्लॉग ज़रूर देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप शोर शराबा चलता रहता है। खैर इस व्लॉग को मैं ही करती हूँ यहीं पर ही एंड। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।